In consumer behavior, today we are going to study the behavior of a consumer, particularly related to the situation of uncertainty. And when uncertainty situation, we give the elementary treatment. What is the elementary treatment? It is particularly related to that when we say that the uncertainty condition is there, but the objective. That what we are going to define, it has particular prospects, and for that prospect we define in the manner that that uncertainty condition has certain measurable property. और अगर हम इस वे में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी objective जिसको uncertainty की condition में consumer decide कर रहा है, और उसके जितने भी outcomes हैं वो भी measureble हो सकते हैं और वो ऑब्जेक्टिव जो है वो भी मैयरेबल हो सके अकाउंट फॉर हो सके तो जब भी एलिमेंट्री ट्रीटमेंट है इट विल बी पर्टिकुलरली रिलेटेड टू दोज कंडीशन जब हम उन सबको एक पर्टिकुलर नंबर असाइन कर रहे होंगे या एक वैल्यू असाइन कर रहे होंगे तो कीपिंग इन व्यू दिस अब हम देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो कंज्यूमर डील कर रहा है वो ऑब्जेक्टिव क्या है और उस ऑब्जेक्ट को अचीव करते हुए उसके साथ अटैच प्रॉस्पेक्ट्स क्या है अब कंज़्यूमर की चॉइसेस क्या हैं और उन चॉइसेस के तहत फिर उनमें वो प्रेफरेंसेस कैसे रखता है अब अगर हम देखें तो प्रीवियसली जब कंजम्पशन को हमने डील किया था तो कंज्यूमर की चॉइसेस और प्रेफरेंसेस को हम सिनोनिम लेके चल रहे होते हैं लेकिन इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर की चॉइस है और उस चॉइस में उसने किसी पर्टिकुलर स्टेट की तीन ऑस्पेक्ट्स रखे हैं मेन अगर वो वेदर के बारे में हमने जैसे एक एग्जांपल ली थी वो देखता है और उसकी वो तीन रखता है कि कल टेम्परेचर इंक्रीज होगा इंक्रीज होने के साथ क्या सिचुएशन होगी उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी तो वो जो उसकी चॉइस है ये उसकी हवाले से है और माइट भी वो किसी और एग्जांपल पे अगर हम देखें तो जो भी चॉइसेस उसने लेनी है फिर उसके साथ उसको अपनी प्रेफरेंसेस अटैच करनी है अब अगर इस सिचुएशन को जब हम नेक्स्ट में देखें तो इसके साथ जो हमारा थ्योरम है वो वॉन न्यू मैन मोर्गेंस्ट्रम का थ्यूरम जो है वो अटैच होता है और वो रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटीज़ है अब इस सिचुएशन में हम एक एग्जाम्पल के तहत अगर हम चलें तो यह है कि अगर सिंगल गुड की हम बात करेंगे और यहाँ पे सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव या सिंगल गुड नहीं रादर हम प्राइस का या उसका जो डिसीजन लेने वाला है डिसीजन टेकर भी को हम सिंगल लेंगे देयर कैन बी द मैनी अदर्स लेकिन यहाँ पे वो कंज्यूमर है या हमारा डिसीजन टेकर है हम वो मल्टीपल नहीं ले रहे हम सिंगल डिसीजन टेकर की बात करेंगे तो दैट्स जो हमारा सिंगल डिसीजन टेकर है वो अगर एक किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि गुड है उसके बारे में डिसीजन करना चाह रहा है और दैट गुड इज मेयर्ड इन द यूनिट्स ऑफ अकाउंट और यहाँ इस सिचुएशन में पोज करते हैं हम कि दैट इज इनकम अब ये इनकम ऑब्जेक्ट जो है उसका वाई इट कैन बी वेरियस फॉर्म्स के हमारे साथ हो सकता है मीन I mean, उसका प्रॉस्पेक्ट है कि वो समझता है कि अगर साल का एंड हो रहा है और देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी के वो अपनी प्रीवियस इंफॉर्मेशन के तहत वो असेस करता है कि मैंने पूरा साल बहुत मेहनत की है बहुत काम किया है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो कहे कि मुझे इनकम में राइज़ मिलेगा एस वन देर इज़ पॉसिबिलिटी कि 25 परसेंट होगा एस टू हो सकता है कि मुझे एवरेज मिले बाकियों की तरह और ना दस परसेंट पे आ जाए और कोई एस्त्री कंडीशन हो सकती है कि कीपिंग इन व्यू द अदर इंफॉर्मेशन कि मैंने तो बहुत काम किया है एक्स्ट्रा वर्क किया है लेकिन चूंकि इस वक्त जो कंपनी है उसकी सिचुएशन इतनी बेटर नहीं जा रही तो हो सकता है कि मुझे इनकम का राइज ना मिले और जो मेरी स्टेट है वो एज सच रहे तो हम उस फॉर्म में भी देख सकते हैं तो लाइक वाइज ये इस इनकम से रिलेटेड वो वेरियस स्टेट्स को डिफाइन करता है और उसी के तहत फिर अपनी अपनी इनकम को डिनोशन देते अब अगर हम देखें तो इसमें हम कहते हैं कि इंडिविजुअल ने जो वो प्रोबेबिलिटी अटैच की जिसको हम यहाँ पे फाई के साथ नोट कर रहे हैं और वो फाइ के तहत अगर हम देखें तो वेन वी हैव वन पर्टिकुलर स्टेट तो उस पर्टिकुलर स्टेट एस को हम उस फाई के तहत चेक कर रहे हैं एंड नाउ इफ वी से ये प्रोबेबलिटी मल्टीप्लाई बाई दैट एक स्टेट की हम उसको देखें तो लाइक वाइज वई कैन से ओवरऑल वन स्टेट इज मल्टीप्लाई बाई इट्स रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी एंड लाइक अदर एंड देन वी कैन हैव ऑल द स्टेट्स मल्टीप्लाई बाई देअर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज अब इस प्रोबेबिलिटी और वो जो स्टेट उसने अटैच की है अपने ऑब्जेक्टिव के तहत अगर हम देखें तो उससे जो क्रोस्पॉन्डिंग वैक्टर वो बनाता है और उसकी बेस पे फिर वो कहता है कि इनके जवाब में एक हमारा प्रॉस्पेक्ट पी हमारे सामने आना चाहिए या इसको अगर हम कहें तो ये उन तमाम वेक्टर्स का एक टोटल आउटकम होना चाहिए अब इसी वजह से जो हमारे पास इनकम वेक्टर है उसकी प्रोबेबिलिटी वेक्टर के तहत वो पी प्रोस्पेक्ट इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी पाई इन टू दिस वाई एंड इट इज इक्वल टू लाइक दिस अब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी का वेक्टर अगर हम y चेंज कर देते हैं या हम इनकम का वेक्टर मीन y को चेंज कर दें तो इन दोनों के प्रोडक्ट के नतीजे में हमारा जो आउटकम p है वो फिर चेंज हो सकता है तो इस वजह से बिकॉज हम डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज को यूटिलाइज कर रहे होते हैं तो देन अदर एन अदर टर्म जो इस p को डिफाइन करती है दैट इज़ आल्सो कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ द इनकम अब ये जो चॉइस ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर थ्योरी है वो बेसिकली हमारा प्रोस्पेक्ट कहलाएगा जो कि पी की फॉर्म में हमारे पास तो कीपिंग इन व्यू दिस थ्योरी हमें जो चीज़ वाजिया तौर पे अब समझ में आती है वो ये है कि हर एक्शन और उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी का अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो एक प्रॉस्पेक्ट होगा मीन एक कॉन्सिक्वेंस होगा तो हर एक्शन और उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी के नतीजे में एक यूनिक कॉन्सिक्वेंस हमारे सामने आएगा और वो इंटायरली डिफरेंट विद द अदर हो सकता है तो फॉर ईच डिसीजन देयर कैन बी द एक्सपेक्टेशन ऑफ द डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट अब इसी सिचुएशन को देखते हुए अगर हम देखें तो वी कैन असेस कि एक कंज्यूमर या कोई भी इकोनॉमिक एजेंट जब भी कोई अपने बारे में अनसर्टेनिटी की कंडीशन में डिफरेंट प्रोस्पेक्ट तय करेगा तो ही शुड बी इन दैट एक्सपेक्टेशन कि उसके डिफरेंट कॉन्सिक्वेंस भी आएंगे और वो उन कॉन्सिक्वेंसिस के नतीजे में आने वाले तमाम जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं या इनकम की कंडीशन हैं उसको वो उसको एक्सपेक्ट करने को रेडी रहना चाहिए अब यहाँ पे थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेशन को देखते हुए अगर हम एक एग्जाम्पल लेना चाहें तो देट कैन बी के माइट बी देयर इज़ अ प्रोड्यूसर एज वेल और वो देखता है कि अगर देर इज़ अ सिचुएशन कि कल को वेदर की कंडीशन चेंज होती है तो क्या कहे अब वो देखता है कि यस देयर विल बी चेंज इन द कंडीशन ऑफ द वेदर तो जो मेरे पास अपना प्रोडक्ट है मुझे उसकी वेदर से रिलेटेड इंश्योरेंस करवा लेनी चाहिए लेकिन दूसरी तरफ अब अगर वो इंश्योरेंस करवाएगा तो ये उसका एक स्टेट है और उस स्टेट के साथ वो अटैच करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी और उसका कॉन्सिक्वेंस आएगा कि इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस उसको कितना प्रीमियम और कॉस्ट देना होगा और उसके नतीजे में इफ़ देयर विल बी एनी ड्रास्टिक चेंज तो कितना उसको बेनिफिट हो सकता है और इसके एग्जाम्पल के अपोजिट अगर वो दूसरे एक स्टेट देखता है जिसमें वो कहता है कि यस देअर कैन बी चेंज इन द वेदर लेकिन वो इतनी ड्रास्टिक नहीं होगी तो मुझे इंश्योरेंस नहीं करवानी तो दीज कैन बी द टू अपोजिट फॉर्म्स और इन दोनों फॉर्म में जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो उसको वो कैलकुलेट कर सकता है रिलेटिव टू दो स्टेट्स और उन दो स्टेट्स के को मल्टीप्लाई करते हुए विद द अटैच्ड रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ तो इन दोनों के प्रोस्पेक्ट्स को फिर वो कैलकुलेट कर सकता है और इस कैलकुलेशन से अगर हम देखें तो जो हमारा इंश्योरेंस से रिलेटेड या प्रीमियम से रिलेटेड के जितने डिसीजन होते हैं वो इस पे डिपेंड करते हैं